हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा द बाइकर। आज की वीडियो बजाज की अपकमिंग बाइक बजाज पल्सर 150 इक्लिप्स के बारे में है। ये बजाज की पल्सर 150 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल बाइक होने वाली है। इसका लुक बजाज की पल्सर N250 से सिमिलर रहेगा, बट थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे की गई है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये बाइक अब लॉन्च होगी, कितना प्राइस होगा और क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में कोई नई बाइक परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बाइक्स की सारी न्यू अपडेट सबसे पहले आपके पास हो। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे फ्लो करते हुए दिख जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। इसका लुक बजाज की पल्सर N250 से सिमिलर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको बाइक के ग्राफिक्स और कलर्स बिल्कुल नहीं देखने को मिल जाता है। वहीं बाइक को पल्सर N250 के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, जिससे कि बाइक अब और अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। ये बाइक टोटल 4 कलर्स में ऑफर की जाएगी, पहला ब्लैक, दूसरा रेड, ब्लू और व्हाइट। इसमें आपको 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 वॉल्व BS6 कंप्लायंट SOFC इंजन देखने को मिलेगा, जो 17.8 PS तक का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगी 9500 RPM पे, और 13 Nm तक का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करते हुए देखने को मिलने वाली है 7500 RPM पे। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। बाइक में आपको 150 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा खासा पावर और टॉर्क देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इसके लुक और डायमेंशन की, तो फ्रंट सेक्शन में आपको पल्सर N250 से सिमिलर हैलोजन हेडलाइट, LED टेल लाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। वहीं बाइक के रियर सेक्शन में आपको LED टेल लाइट, स्प्लिट सीट, पिलन ग्रैबरल देखने को मिलता है। इसमें आपको 805 mm का सीट हाइट, 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल सकता है। बाइक की ओवरऑल हाइट 1205 mm का रहने वाला है। वहीं इसमें आपको 12 लीटर के फ्यूल टैंक मिलेगी और इसका माइलेज 40-50 किलोमीटर पर लीटर तक कंपनी क्लेम कर सकती है। इसका टोटल कब वेट 140 किलोग्राम का है। अब बात करें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, इसमें आपको फुल डिजिटल कंसोल मिल रहा है, जो आपको सेम N250 में देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक और फ्यूल गॉज होगी। फ्रंट में आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक फॉक्स विद एंटी फ्रिक्शन बुश और रियर में नाइट्रॉक्स चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें तो बाइक ये फुल्ली इंस्पायर्ड रहने वाली है पल्सर N250 से। इसका प्राइस आपको पल्सर N250 से कम और फीचर्स ज्यादातर सेम ही देखने को मिलेगा। अब बात करें फाइनली इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 1 लाख से 1.25 लाख तक का एक शोरूम देखने को मिलेगा। इसके लॉन्च रेट की देखें तो बजाज इस बाइक को दिसंबर 2022 तक लॉन्च कर देगा। इसका लॉन्च रेट बहुत पहले का था, बट कंपनी अभी इस बाइक को लॉन्च करने के लिए एक सुटेबल टाइम ढूंढ रही है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप इस बाइक के लिए वेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो वीडियो को खत्म करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन शुभ हो।